हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ रशिका, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले इनसाइट आईएएस की क्विज, जो कि हमारी यहाँ पे अक्टूबर मंथ की चल रही है। एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आपकी दिन एकदम हैप्पी हैप्पी, एकदम खुशनुमा होनी चाहिए। और ये आज हम लोग इसको एंड करने वाले इस लेसन को, क्योंकि हमारी यहाँ पे काफ़ी टॉपिक कंप्लीट हो गई है। और अभी हमारे पास बची है मैप्स और प्लेसेस और मिसलेनियस, तो इसको भी मैं आज कंप्लीट करा देती हूँ। रेस्ट ऑफ द टॉपिक देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और आप लोग प्लेलिस्ट में आकर स्टार्टिंग से देख सकते हैं। ओके, तो चलिए आज के लेसन हम लोग कवर कर लेते हैं। तो मेरे आंसर देने से पहले मेक श्योर कि आप लोग अपने आंसर ज़रूर टिक कर लीजिएगा, और UPPCS प्रीलिम्स में भी आप लोग को ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं मैप्स एंड प्लेसेस से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको माउंट लियो पारगल के बारे में बतानी है। तो लियो पारगल जो है, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है हिमाचल की, साथ ही ये हमारी झांसकर रेंज में पाई जाती है। इनकरेक्ट बतानी है, ये ध्यान रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, बोथ या फिर नन। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट है वो दोनों में से कोई नहीं है, यानी कि इंडियन आर्मी जो है सक्सेसफुली अभी माउंट लियो पारगल में सबमिट की है। ये जो लियो पारगिल है, ये थर्ड हाईएस्ट पीक है हिमाचल की, और इसको वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग और टेक्निकली डिफ़िकल्ट पीक कहा जाता है, और ये झांसकर रेंज में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ईस्ट काली मंथन। तो ये न्यूज़ में थी, ये बताना है कि कहाँ लोकेटेड है, मलेशिया, फिलीपींस, मडागास्कर या फिर इंडोनेशिया। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो डी, इंडोनेशिया। जो कैपिटल है इंडोनेशिया का वो जकार्ता है आज के डेट में, और फिर से रीलोकेट किया जा रहा है ईस्ट कालीमंथन में, यानी कि पहले यहाँ पे आपका जकार्ता में था, लेकिन अब ईस्ट कालीमंथन इसकी कैपिटल बनाने की बात की जा रही है, जहाँ पे लेसर पॉपुलेटेड आइलैंड ऑफ बोर्नियो है। यह हम यहाँ पे आप लोग देखोगे कि लार्जेस्ट इंडोनेशियन सिटी है, जिसकी पॉपुलेशन 1 करोड़ पीपल तक है, और ये आपके नॉर्थ वेस्ट कोस्ट ऑफ द मोस्ट पॉपुलस आइलैंड जो वर्ल्ड की है, जावा, उसके वहाँ पर लोकेटेड है। आप लोग देख सकते हो ये इंडोनेशिया है। ओके, यहाँ पे जकार्ता थी पहले, लेकिन अब यहाँ पे आपका ये आ गया है ईस्ट कालीमंथन। तो ये न्यू इसकी कैपिटल है जो कि शिफ्ट हो रही है, तो ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। ओके, ऊपर आपकी बोर्नियो हो गई। तो अब आते हैं नीचे थर्ड क्वेश्चन में, सिंगले आइलैंड। सिंगले आइलैंड आपका कहाँ पे लोकेटेड है, गल्फ़ ऑफ मन्नार, गल्फ़ ऑफ कच, या फिर गल्फ़ ऑफ खम्बत, या फिर बे ऑफ बंगाल। तो इसकी जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पे ए, इट मीन्स की गल्फ़ ऑफ मन्नार, सिंगले आइलैंड। ओके, तो डेड कोरल रीफ जो है वो सिंगले आइलैंड में है, जो कि अभी आपको ब्लूमिंग ऑफ माइक्रो एल्गी के बाद यहाँ पे देखने को मिला, यानी कि जितने भी कोरल रीफ है वो डेड हो गए हैं सिंगले आइलैंड में, जो कि गल्फ़ ऑफ मन्नार में पाई जाती है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट सेशन, जो कि हमारी है यहाँ पे मिसलेनियस। तो मिसलेनियस से भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग बुद्धा नुल्ला। तो ये है क्या, पहली है कि जो एंसेंट बुद्धिस्ट साइट लोकेटेड इन सरनाथ में है, और इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ प्रोटेक्टेड एरिया ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। बी है कि जो बुद्ध की इमेज है धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। थर्ड है कि जो लॉर्ड बुद्धा की जो स्टैच्यू है। फोर्थ है ये कि एक सीजनल वाटर स्ट्रीम है। बुद्धा नुला किसे कहते हैं, तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी, एक सीजनल वाटर स्ट्रीम है। ओके, तो बुद्धा नुला जो है एक सीजनल वाटर स्ट्रीम है, जो कि आपकी रन होती है मलवा रीजन ऑफ पंजाब से, और ये आपका जो हाईली पॉपुलेटेड लुधियाना डिस्ट्रिक्ट से पास होती है, फिर सतलज रिवर में ये ड्रेन हो जाती है। आज के डेट में आप देखोगे तो मेजर सोर्स ऑफ पॉल्यूशन जो है इसी रीजन में देखने को मिलता है। ओके, तो मिसलेनियस में भी बस एक ही क्वेश्चन थी, तो टोटल क्वेश्चन आपकी आज 3 हो गई। तो 3 में से आपकी कितनी करेक्ट हुई है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही हमारी अक्टूबर मंथ की पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग प्रीवियस लेसन में नहीं देखे हो तो ज़रूर देख लीजिए, एक आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिसमें कि आपको पूरी मैगजीन्स के यहाँ पर आपको क्वेश्चन की डिस्कशन दिख जाएगी। साथ ही इससे पहले मंथ की भी आपके साथ यहाँ पर मैं डिस्कस कर चुकी हूँ सेप्टेम्बर मंथ की। अब नेक्स्ट हम लोग कल से आएंगे यहाँ पर नवंबर मंथ में। ओके, तो गाइज़ यहाँ पे हमारी लेसन कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।